ब्रह्म परमात्मा का ही एक अंश है और यह अंश सदा ही परमात्मा से मिल जाने के लिए लालायित रहता है। आत्मा को परम शांति और परम तृप्ति तभी मिल सकती है जब वो अपने आदि स्रोत जन ज्योति ब्रह्म से पुनः जाकर मिल जाए। आध्यात्मिक कला में प्रवीण संत और ज्ञानी आत्मा से परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाने के लिए ही समय समय पर इस संसार में आते हैं। स्वामी जी के रूप में आत्मा को नाम का रहस्य समझाया और जगत को जागृत किया। कबीर, गुरु नानक, रविदास आदि संतों की इस परंपरा में संत सेठ शिवदयाल सिंह ने अवतार लिया, जो अपने भक्तों में स्वामी जी महाराज के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी जी महाराज का जन्म आगरा में सन 1818 में हुआ। इन्होंने आगरा में ही सन 1861 में संतों के आदर्श और शिक्षा को मूर्त रूप देने के लिए राधा स्वामी मत या संत मत की स्थापना की। उन्होंने 15 जून सन 1878 में अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। महान संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज स्वामी जी महाराज के प्रमुख शिष्य थे। स्वामी जी महाराज ने आगरा में सन 1856 में बाबा जयमल सिंह जी को दीक्षा दी और उन्हें अपना आध्यात्मिक वारिस नियुक्त किया। पंजाब के घुमान गांव में यही वो घर है जहां उन्होंने जन्म लिया था। संत बाबा को अपने गुरु से आदेश मिला था कि वे सुरत शब्द योग का पंजाब में जाकर प्रचार करें। सुरत शब्द यानी अदृश्य तीसरी आंख का वो केंद्र बिंदु जो हर मनुष्य के पास है, चाहे वो किसी भी देश, जाति, वर्ग, वर्ण का क्यों ना हो। सन 1891 में संत बाबा ने डेरा की स्थापना की। ये जगह पहले उबड़ खाबड़ और बीहड़ों से भरी थी, फिर भी यहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण था। यह स्थान ब्यास नदी के तट पर है। डेरा की स्थापना के बाद इस जगह का स्वरूप बदलने लगा। अब तो यह जगह एक सुव्यवस्थित कॉलोनी के रूप में विकसित हो गई है। संत बाबा ने यह आसार संसार सन 1903 में छोड़ा और संत मत का गुरुपद बाबा सावन सिंह जी ने संभाला। बाबा जी को अपने गुरु से दीक्षा सन 1894 में मरी में मिली थी। लोग उन्हें महान स्वामी जी के नाम से भी पहचानते थे। वे इसी घर में रहे जो बरसों तक आध्यात्मिक गतिविधियों का महान केंद्र बना रहा। हालांकि इस बस्ती की स्थापना बाबा जी महाराज ने की थी, लेकिन महाराज सावन सिंह जी ही इसके असली निर्माता थे। सिंह जी ने 2 अप्रैल सन 1948 को देह त्याग किया और उनका स्थान सरदार बहादुर जगत सिंह जी ने संभाला। अपने गुरु के प्रति असीम प्रेम और सेवा भावना के कारण जगत सिंह जी ने एक कमरे को छोड़कर महान स्वामी जी के किसी भी स्थान का उपयोग नहीं किया।
चरण सिंह जी ने संत मत का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। जीवित स्वामी जी ही संत मत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में विराजमान होते हैं। मन का संशय जब तेरा दर्शन पाया। महाराज जी कहते हैं, सभी संतों का संदेश एक होता है, सीख एक होती है। इस संसार में संत हमें मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, वो मार्ग जो हमें अपने असली घर की ओर ले जाता है। वे कहते हैं ईश्वर एक है और वो हमारे अंदर है। अगर हमें उसे पाना है तो उसे अपने ही अंदर ढूंढना होगा। संत हमें शब्द यानी उस जगन्नियंता शक्ति के बारे में बताते हैं जो परमात्मा का ही रूप है। सृष्टि के निर्माता परमात्मा को हम अपने स्तर से प्राप्त कर सकते हैं। वो परमात्मा शब्दमय ब्रह्म और शब्दमय शरीर है। शब्दमय महाराज जी आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली टूटी कड़ी को जोड़ देते हैं।